लाइफ में हमें हमेशा नए नए चैप्टर पढ़ने को मिलते हैं, पर हम में से बहुत ही कम लोग होते हैं जो फैक्ट को देख पाते हैं, और मोस्टली तो देख ही नहीं पाते। जैसे हर इंसान अपनी जुबान के पीछे छुपा है, अगर उसे समझना है तो उसे बोलने दो। और हम उस दौर में जी रहे हैं जहां मासूमियत को बेवकूफी समझा जाता है। और एक फैक्ट ये भी है कि बेटे की परख शादी के बाद, बेटी की परख जवानी में, पति की परख पत्नी की बीमारी में, पत्नी की परख पति की गरीबी में, दोस्त की परख मुसीबत में, भाई की परख लड़ाई में, बहन की परख जायदाद में, और औलाद की परख बुढ़ापे में होती है। ऐसे ही लाइफ के बहुत सारे फैक्ट हैं दोस्तों, जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसे ही फैक्ट बताने वाला हूँ जिन्हें जानकर आपको जरूर हैरानी होगी, मगर ये सच है और लाइफ को समझने के लिए बहुत जरूरी है। तो अगर आप भी जानना चाहते हो इन सभी बातों को, तो बस जुड़े रहो इस वीडियो में आखिरी तक। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला फैक्ट है दोस्तों कि कोई भी लड़की स्ट्रगलिंग बंदे से शादी नहीं करना चाहती। प्यार वगैरह सब अपनी जगह है, हम साथ रहते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, सब ठीक होने के बाद भी हर किसी के मन में ये सवाल जरूर आता है कि अगर वो लड़की किसी लड़के से शादी कर लेती है तो वो उसे कैसे रखेगा, कैसे वो उसके साथ खुश रहेगी। ये बात अजीब जरूर है मगर सच है। हर इंसान का अपना तरीका होता है सामने वाले से बात करने का। अगर आप चाहती हो कि आपकी पसंद से आपकी शादी हो, तो जाहिर है आपको लाइफ में कुछ ऐसा अचीव करना ही होगा, लाइफ में कामयाब होना ही पड़ेगा जिससे आपकी पसंद आपको मिल सके। इसके बाद जैसे जैसे आप मैच्योर और समझदार होंगे, आपके दोस्त कम होते जाएंगे। हर दोस्ती में स्वार्थ छिपा होता है। ऐसे बहुत ही कम दोस्त होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के हमारे साथ रहते हैं, और इन्हीं को हम बेस्ट फ्रेंड कहते हैं। पहले जब हम स्कूल में होते हैं तो हमारे बहुत फ्रेंड्स होते हैं, मगर जैसे जैसे स्कूल से कॉलेज और कॉलेज से जॉब की तरफ बढ़ते हैं, तब पता चलता है कि फ्रेंड्स बस पहले ही बन चुके हैं। जो बचपन से अब तक साथ हैं, बस वही ठीक दोस्त हैं, बाकी तो सब भीड़ है, सिर्फ मतलब से साथ है। और यही वजह है कि मैच्योर होते होते आपकी दोस्ती कम हो जाती है। इसके बाद एक्सरसाइज इकलौता ऐसा तरीका है जिससे आप अच्छे दिख सकते हैं। दोस्तों हम अच्छे दिखने के लिए नए नए नुस्खे अपनाते हैं। पूरी दुनिया किसी क्रीम के पीछे, या तरह तरह के पाउडर खाना, या केमिकल से फेस वॉश करना, ये सब चीजें हर किसी को सूट नहीं करती। अगर आप वाकई हेल्दी, फिट और सुंदर दिखना चाहते हैं, तो सिर्फ एक्सरसाइज ही इकलौता ऐसा तरीका है जिससे आप सुंदर दिख सकते हैं। इसके बाद हार्ड वर्क गारंटी नहीं है सक्सेस की। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में काफी अंतर होता है दोस्तों। हार्ड वर्क तो हर कोई करता है, मजदूर भी करता है, लेकिन सब लोग अरबपति नहीं बन पाते। यानी बात तो साफ है कि सिर्फ हार्ड वर्क हमें सक्सेस नहीं दिलवा सकता। अगर आपको कामयाब होना है तो आपको स्मार्ट वर्क में हार्ड वर्क करना होगा, सिर्फ हार्ड वर्क नहीं। इसके बाद है मनी, बहुत जरूरी है। दोस्तों पैसा सब कुछ नहीं होता, ये कहना ठीक है, मगर पैसा कुछ नहीं होता ये कहना बिल्कुल गलत होगा। आपको लाइफ में कम से कम इतना तो कमाना चाहिए कि आपकी लाइफ सुकून से कट सके। सिर्फ बातों से खाना नहीं खरीदा जा सकता, या सिर्फ बातों से डॉक्टर दवाई नहीं देते, और जीने को जरूरी सामान भी बातों से नहीं खरीदा जा सकता। इसीलिए जिंदगी को सुखी तरीके से बिताने के लिए आपको कम से कम इतना तो कमा लेना चाहिए कि आप उन चीजों को खरीद सकें जो आपके लिए जरूरी है। दोस्तों बात बस इतनी है कि लाइफ अगर बहुत ही अच्छी होती तो हम यहाँ रोते रोते ना आते, मगर ये भी सच है कि अगर ये बहुत बुरी होती तो हम यहाँ से लोगों को रुलाते ना जाते। यानी हमारी लाइफ में हमारी बातों का, हमारे किरदार का अहम रोल होता है। आप जिस तरह भी इसे निभाओगे, लोग उतनी ही शिद्दत से आपको याद रखेंगे। दोस्तों ये थी कुछ बातें जो जिंदगी की असलियत समझाने में हमारी मदद करती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और कमेंट करके मुझे जरूर बताओ, ताकि मैं ऐसी ही और भी बातें आपके लिए लाता रहूं। इसके साथ ही मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। इंस्टा पर मैं काफी चीजें अपडेट करता रहता हूं, जो मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर पसंद आएगी। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।